जब मेहनत और लगन से कोई काम सीखा जाए तो अल्लाह कामयाबी जरूर देता है। आज के रेस्टोरेंट की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम मौजूद हैं कराची के एक टर्किश रेस्टोरेंट आरोमाइश पे, जो लॉकडाउन से पहले एक ट्रैवल एजेंसी हुआ करती थी। लॉकडाउन लगा और ट्रैवल का काम खत्म हुआ तो सबका रोजगार बिल्कुल खत्म हो चुका था। वहीं इन्होंने YouTube का सही इस्तेमाल करते हुए अपनी टिकट बुक करने वाले स्टाफ को लगाया टर्किश पीड़े सिखाने में, और 6 महीने की अंतक मेहनत के बाद ये AC रूम में बैठने वाला स्टाफ आज किचन में बहुत प्रोफेशनल तरीके से टर्किश पीड़े और नानजा बना रहा है। टर्किश ब्रेड पे बनने वाला पीड़े बहुत ही मुनासिब से कीमत में एंजॉय कर सकते हैं। टर्किश पीड़े, जिसकी ब्रेड लाइव आपके सामने बनाई जाती है और इसके अंदर चीज, चिकन और बड़ी डिफरेंट चीजों की फिलिंग होती है, ये रेस्टोरेंट आयशा मंजिल अर्शी शॉपिंग सेंटर के पास वाके है। मैप की लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन में अपडेटेड है। तो आइए फूड का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, हम मौजूद हैं आज आयशा मंजिल पे आरोमाइश पे। आरोमाइश, जो के अरोमा से नाम निकाला है इन्होंने, बड़ा डिफरेंट नेम है। और यार बहुत ही इनकी मुझे लग रहा है जो से सुनने में ही ना साउंड कर रही, बहुत आर्टिस्टिक सी चीजें साउंड कर रही है। अच्छा, पाइड, ये इसको टर्किश में जो है वो पिदे कहते हैं और सऊदी वो ज्यादा खाया जाता है। उसको क्या कहते हैं सऊदी लैंग्वेज में मेरे नाम निकल रहा है जहन से, मगर ये जो चीज फतायर, एग्जैक्टली यार, तूने खाया क्या? नहीं खाया, अभी इसकी हिस्ट्री पता करिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये चीजें मतलब ऐसा है कि लोग समझ रहे होंगे यार पिज्जा होगा या पिज्जा नान बना होगा, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। पहले क्लियर कर दूं, इससे पहले मैंने भी जो नेम उन्होंने ट्राई नहीं किया, तो ट्राई तो करके मैं आपको रिव्यू दूंगा। मगर सबसे अच्छी चीज़ ये कि ये बिजनेस जो है वो लॉकडाउन में स्टार्ट हुआ, और भाई ये लॉकडाउन स्टार्ट होने के बाद जो है वो इन्होंने अपनी ट्रैवल एजेंसी के सारे जो अपना स्टाफ था वो इन्होंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, और वो जो है वो स्टाफ अब पिज्जे बना रहा है और पाइड बना रहा है, और यहाँ पे लोगों को सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज़ जो है। नहीं, उससे पहले इन्होंने लॉकडाउन में ही जो है एक साल यूट्यूब और उससे सीखा रेसिपी सीखी। अच्छा, बहुत सारे लोग का ये कंसर्न होते हैं कि यार हम क्या करें। अच्छा, यूट्यूब सेल्फ एक पूरी जो है ना इंडस्ट्री है, आप जो चाहो सीख सकते हो। तो फिर इन्होंने टर्किश पे काम किया और सब काफी जगह, आपके सामने एग्जांपल है आरोमाइश की कि इन्होंने सब चीजें सीखी, और वो स्टाफ जो पहले टिकट जो है वो ऑर्डर बुक कर रहे होते, अब आज है वो पिज्जा और टिकट, आज वो पिज्जा बना रहे। तो बातें पाइट बनता है किस तरीके से, और हम भी देखते हैं, हमने भी इस तरीके से काफी एक्साइटेड हूं। आ जाए, चलते हैं। तो गाइस, फाइनली अब हम आ चुके हैं आरोमाइश के किचन में, और पीड़े किस तरीके से बनता है बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे सामने डो जो है वो लाइव बनी है, और इस पर मीट जो है वो सेंटर में डला है, और साइड्स में जो है वो इसके चीज़ ऐड हुई है, और जब ये साइड से जो है वो कर्व करके इस तरीके से हमारे जो है वो शेप में बन जाता है। बटर की कोटिंग चल रही है इसके ऊपर, मतलब इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो बचेगी। और ये हमारे सामने ब्रिक ओवन में जो है वो गया, और फिर उसके बाद जो है वो अगेन बटर की कोटिंग, ज़बरदस्त दिखने में काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। चीज़ की जो है वो सेंटर में फिलिंग है, और ऊपर से चीज़ अंदर जो है वो मीट, ज़बरदस्त। अब बारी है पिज्जान की। पिज्जान इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये नान के ऊपर पिज़्ज़ा बनता है। हमने 2 फ्लेवर चूज़ किए हैं, ये जो है वो हमारे सामने जो है वो रेडी हो रहे हैं गरम गरम। डो भी सामने लाइव बनी है, सब चीज़ें जो है वो लाइव मेकिंग हुई है, और ये तैयार हो चुका है फाइनली। नेम क्या करें यार, सबसे पहले क्या ट्राई करें? तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले पाइड ट्राई करता हूँ, क्योंकि पिज़्ज़ा तो यार हम लोगों ने ऑलरेडी ट्राई किया, मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि जो कि मैंने इससे पहले कभी ट्राई नहीं करी है। आपने अगर इसके अलावा कहीं और खाया तो मुझे ये भी बताइएगा, मैं ये ट्राई करता हूँ इसका। तो अब मैं, ये काफ़ी हॉट हो रहा है इस वक्त। चिकन चीज़ पाइड है। सबसे पहले तो ब्रेड के बारे में बताऊं कि हम नॉर्मली जो नान पिज़्ज़ा खाते हैं, नॉर्मली पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं, इसकी ब्रेड उससे डिफरेंट है। डिफरेंट मींस के उसमें जो है वो उसकी जो उसकी मेकिंग है थोड़ी डिफरेंट है। फिलिंग जो है वो इसकी पिज़्ज़ा वाली ही है, बट जिस तरीके से जो है ये ब्रिक ओवन के अंदर जो है ये हमारे सामने कुक हुआ है, इसके जो कॉर्नर्स हैं, इसे क्रस्ट, उसके अंदर चीज़ फिल्ड है, सेंटर पे जो है वो प्रॉपर तरीके से चीज़ की जो है वो टॉपिंग हुई हुई है,
और सॉस के साथ गरम गरम जो है वो ये बहुत अच्छा लग रहा है। 450 का एक बंदा आराम से जो है वो खा लेगा, और अगर आप जो है वो ज़्यादा खाने वाले हैं तो दो से तीन बंदे आएँ और फ्राइड और पिज़्ज़ा दोनों ऑर्डर करें तो शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा, अच्छी चीज़ ये एक और कि आप बैठे हुए हैं, डाइन इन ऑर्डर प्लेस किया आपने, तो हमारी तरफ से रेफरेंस के थ्रू आते हैं, तो आपको इसमें साथ में जो है वो ड्रिंक भी कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगी, जो कि एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ जो ड्रिंक तो बनती है, क्लोज कॉम्बिनेशन है। नॉर्मली आप ये जो आपके सामने मेन्यू में जितनी भी सारी चीज़ें, ये आप नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलिस्तान, जौहर, गुलशन, कराची के जो डिफरेंट एरियाज़ हैं वहाँ पर डिलीवरी करवा सकते हैं। डिलीवरी के चार्जेस जो हैं वो डिफरेंट होंगे एरिया के हिसाब से। तो यार पाइड जो है वो डिफरेंट चीज़ है, ट्राई करने वाली चीज़ है। तंदूरी पिज्जान, पिज्जान एक्चुअली इस वजह से क्योंकि नान पे बना हुआ है। इसकी मेकिंग देखी मैंने तो मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि नॉर्मली हम जो तंदूरी चिकन खाते हैं वो आपके सामने लाइव कोई तंदूरी स्टाइल के अंदर जो है वो गर्म नहीं होती अवन के अंदर, वो बिल्कुल उनके पास पहले से रखी हुई होती है। अच्छी चीज़ ये लगी कि आपके सामने फ़ौरन से जो चिकन पहले लाइव तंदूर के अंदर जो है वो पहले बेक हुई है, फिर उसके बाद जो है ये हमारे सामने जो है पिज़्ज़ा पे जो है वो टॉपिंग धनी है। अब पिज़्ज़ा की टॉपिंग भी काफ़ी अच्छी लग रही है, थिन क्रस्ट है, जो तंदूरी चिकन है उसका फ्लेवर बहुत बहुत प्रोमिनेंट है। वैसे ऐसा नहीं है कि चिकन जो है वो सबके अंदर सेम यूज़ हुई हुई है, जो तंदूरी चिकन है उसका स्पाइस बड़ा ज़बरदस्त है, और ऑलिव्स, चीज़ और चिकन, और फिर उसके बाद सॉस, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है यार। सॉस के साथ तो एक बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ है कि सॉस जो है वो आरोमाइश के होम मेड हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि बाहर से जो है वो बाय कर रहे हैं और फिर बना रहे हैं, होम मेड हैं, तो टेस्ट जो है वो उन्होंने पिज़्ज़ा के हिसाब से बनाया हुआ है, कुछ ज़्यादा गले भी नहीं लग रहा। नॉमिनल प्राइसिंग के अंदर तो यार मुझे तो वैसे देखा जाए पाइड और पिज़्ज़ा के अंदर, मैं रेकमेंड करूँगा कि आप पाइड ट्राई करिएगा, डिफरेंट चीज़ें अच्छी लगेगी, और अगर पिज़्ज़ा के अंदर फ्लेवर ट्राई करना है तो यार ये वाला है तंदूरी, ऑसम चिकन। अब नईम की बारी है, नईम आपको बताएगा चिकन सॉसेजेस पिज़्ज़ान, ओवर टू नईम। तो बनते हुए तो देख लिया और आपने इंट्रो में भी देख लिया कि किस तरीके से जो है ये आया है, तो अब मेरी बारी है सॉसेजेस पिज़्ज़ान की। तो अच्छा, ये है बाय डिफ़ॉल्ट बीफ सॉसेजेस, देख लिया आपने किस तरह बेक हुआ है और किस तरीके से ये बना है और हम तक पहुंचा है। यहाँ पे अगर जो बीफ लवर नहीं है वो चिकन भी करवा सकते हैं, मगर इनको आपको कहना पड़ेगा। इसकी कॉस्ट है भाई 580 रुपीज़ है, वो फिल्ड है, और इसकी टॉपिंग भी अच्छी खासी आपको नज़र आ रही है, तो फिर टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बताऊँ आपको इतने पिज़्ज़ा कराची के तो हर पिज़्ज़ा जो कोई नहीं छोड़ा हमने, तो इस लिहाज से हमें भरपूर अंदाज़ा हो गया भाई क्या चीज़ है। बहुत डिफरेंट टेस्ट लगा मुझे इसका, सॉसेजेस का, इसकी चीज़ का, और ऊपर इन्होंने जो पूरी टॉपिंग की हुई है एक अथेंटिक सा है। हाँ, थोड़ा सा मुझे इसमें जो है वो थोड़ा सा एक टेक्स्चर आया सॉल्टी सा, जो किसी किसी को पसंद है, किसी किसी को नहीं पसंद। देखें, ये कोई कंपैरिजन पिज़्ज़ा से नहीं है, ये जो पिज़्ज़ान है इट्सेल्फ यहाँ कराची में बहुत सारे लोग आपको हर जगह मिल जाएगा और बहुत सारे नामों से मिल जाएगा, मगर इनके पास जो ख़ास तौर पे एक चीज़ मैंने नोट की है वो ये है कि इन्होंने अपना जो बेकिंग इनका ओवन है उसका टेम्परेचर बहुत अच्छा मेंटेन किया है। कहीं से भी मुझे ओवर कुक नहीं लगा, कहीं से भी मुझे हार्ड नहीं लगा। इनकी डो जो है वो इन्होंने बिल्कुल उसी वक्त जो है वो प्रिपेयर की और बनाई, जिसकी वजह से ये जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट है। और अक्सर आप कहीं खाते हैं पिज़्ज़ान वगैरह, कहीं दूसरे नामों से भी खाते हैं जो कि भट्टी में और बेक ओवन में बनते हैं पिज़्ज़ा, वो बिल्कुल अलग और वो थोड़े से आप कहने ओवर कुक्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे इनका तंदूरी भी है, हमने मंगाया पाइड भी मंगाया, तो यहाँ कहीं भी मुझे ओवर कुक वाला जो है वो एलिमेंट नहीं मिला। तो ये जो चीज़ है इनको दूसरों से अलग कर रही है मेरी नज़र में, ठीक है। तो फिर आएँ और आप भी इंजॉय करें यहाँ का फूड, और हमें रिव्यू में ज़रूर बताइएगा कि आपकी राय क्या है। तो नहीं, तुमने जो है वो पाइड भी ट्राई कर लिया भाई, ट्राई भी कर लिया और टेक अवे भी ले लिया। तो गाइस, जो आज मकसद है एंडिंग थोड़ी सी डिफरेंट करने का, मकसद ये है कि हम वो टीम दिखाना चाह रहे हैं बिल्कुल जो शिफ्ट हुई है अपना टिकटिंग बिजनेस से
अपना फूड की इंडस्ट्री में आ चुके हैं। और यार ये ऑनर की अच्छी एक बात मुझे ये लगी जो कि मैं उनसे कह चुका हूँ लाइव कि उन्होंने बड़ा अच्छा किया, लोग क्या थे कोविड के दौर में फारिग कर दिया था सबको और उन्होंने अपने स्टाफ को जो वो मूव किया, स्विच किया दूसरी जगह। स्टाफ भी तो ऐसा होना चाहिए ना यार। हाँ, बिल्कुल ऐसा यार, है। वैसे आप लोग पहले जो है वो टिकट बुक कर रहे होते थे, अब आप जो है वो फूड बनाना कैसा लग रहा होता है? एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। हाँ ये चीज बिल्कुल, वहाँ पे एसी में बैठ के टिकट बुक कर रहा हूँ और यहाँ पे जो है। हाँ मगर यार ये वाकई और हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हमने जो है वो किसी नॉन प्रोफेशनल किसी के नहीं, ये नहीं, इसकी भी वजह है ना जो हम बता चुके हैं कि इन्होंने बहुत अच्छी तरह से YouTube से एक ट्रेनिंग ली और अपने आस पास से लर्न किया इसको। अच्छा इनका हर वो स्टाफ जो पहले जो है वो वहाँ पे काम कर रहा था, आज वो यहाँ पे डिलीवरी कर रहा है कोई जो है वो कुकिंग किचन के अंदर है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आप लोगों का बहुत शुक्रिया भाई, ये एक स्टोरी टेलिंग यूं हमने बनाई कि हमें खुद एक मोटिवेशनल एक चीज लगी कि आप लोगों ने किस तरीके से कोविड में, क्योंकि पूरी दुनिया के साथ ऐसा था तो आपने शिफ्ट किया बड़ा। तो यार आपके सामने ये एग्जांपल जो है ना रियल जो हम किसी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्टोरी की बात कर रहा हूँ, ये आपके सामने एग्जांपल सेट हुई हुई है और ये सक्सेसफुल बिजनेस कराची के अंदर रन कर रहे हैं, तो मतलब आप लोग कुछ सोचना चाहें करना चाहें तो इंटरनेट के जोर के अंदर कोई मुमकिन नामुमकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है, नामुमकिन हो, सिर्फ आपकी स्पिरिट होनी चाहिए, स्पिरिट होनी चाहिए और ये है कि आपकी लॉयल्टी टुवर्ड्स एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के दरमियान। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक बहुत अच्छी चीज है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशन होता है वो भी ये मैटर करता है कि आपकी कितनी लॉयल्टी है। बिल्कुल ऐसा ही, तो आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मुझे और कनेक्ट टीम को और पूरी टीम को आरोमाइश की इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।